हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक को पढ़ेंगे। आइए पहले 9वें श्लोक का स्वर से गायन करें। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति गोविन्दं उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम यानी इस प्रकार कहकर इंद्रियों के स्वामी कृष्ण से। गुड़ा केशः परन्तपः, निद्रा या अज्ञान को जीतने वाला अर्जुन, शत्रुओं को तपाने वाला अर्जुन। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तपः। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। नयोत्स्य इति गोविन्दम, नहीं युद्ध करूँगा ऐसा गोविंद से। उक्त्वा तूष्णीं बभूवः, कहकर चुप हो गया ही। नयोत्स्य इति गोविन्दम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। इस श्लोक का अर्थ हुआ, संजय ने कहा इस प्रकार अज्ञान को जीतने वाले अर्जुन ने भगवान ऋषिकेश से कहा, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। आइए अब अगले श्लोक पे चलते हैं। तमोवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। तमुवाच ऋषिकेशः, तम उवाच ऋषिकेशः यानी उससे कहा ऋषिकेश श्री कृष्ण ने। प्रहसन्नेव भारत, प्रहसन इव भारत यानी हंसते हुए मानो हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। तमोवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। सेनयोरुभयोर्मध्ये, सेनयोः उभयोः मध्ये यानी दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में। विषीदन्तमिदं वचः, विषीदन्तम् इदम् यानी शोकमग्न को यह शब्द। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र उस समय दोनों सेनाओं के बीच में ऋषिकेश भगवान ने अर्जुन से मानो हंसते हुए ये शब्द कहे।